हेलो दोस्तों, कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट मैं आपके लिए फ्यूचर में लेके आता रहूँगा और आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है स्ट्रिंग्स की? ये सीक्वेंस होता है या कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का, ठीक है, जो हमेशा ख़त्म होते हैं नल कैरेक्टर के साथ, ठीक है। इसको लिखने का फॉर्मूला कैसा है? डेटा टाइप, वेरिएबल, फिर वो कितने कैरेक्टर्स उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने डेटा टाइप कैरेक्टर का है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, क्योंकि मैंने आपको एरे समझाया था पिछली बारी कि एरे वो होता है जो अपने अंदर सेम टाइप के जो करेक्ट वो सेम टाइप का जो कंटेंट होता है वो स्टोर कर सकता है। अगर इंटीजर करेगा तो सारे इंटीजर करेगा, अगर कैरेक्टर करेगा तो सारे कैरेक्टर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम दिया है ए, ठीक है। ये अपने अंदर 20 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकता है। तो आगे मैंने एग्ज़ाम्पल ली है, ये कंप्यूटर लिखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में हमारा एक और होता है, ठीक है, जिसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 8 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है स्ट्रिंग्स को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास प्री डिफाइंड स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली होती है strlen, ठीक है। इसका काम होता है किसी स्ट्रिंग की लेंथ को पता करना, ठीक है। तो लेकिन जैसे हम पहले करते थे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, कि हम इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ और आउटपुट के लिए प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते थे, स्ट्रिंग के केस में डिफरेंट होता है। हम गेट्स का यूज़ करते हैं फॉर द इनपुट और पुट्स का यूज़ करते हैं, एक तो प्रॉम्प्ट करने के लिए यूज़र को कि वो स्ट्रिंग एंटर करे और दूसरा आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर ये मैंने यहाँ हेडर फाइल लगाई है, इंट मेन लिख दिया है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज़ किया है, करेक्टर स्ट्रिंग 50, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके अंदर 50 करेक्टर्स तक जो है, एक मुझे नल भी चाहिए होगा लास्ट में, तो उतने मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि पुट से, जैसे मैं बताया था कि मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट करूँगा कि वो स्ट्रिंग एंटर करे, ठीक है। गेट से मुझे उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है, सॉरी, गेट से मैं उसको स्कैन कर लूँगा, ठीक है, और पुट से मुझे उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है, रिटर्न 0। जब आप ये सब करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है। अगर आप देव डी प्लस प्लस के अंदर बना रहे हैं, टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर बना रहे हैं, तो इस प्रकार का आपके अंदर आउटपुट आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा आएगा प्रोग्राम के बाद, जब इसको रन करेंगे आप, एंटर द स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट किया था स्ट्रिंग एंटर करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एंटर किया कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है। फिर जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो ये स्कैन होने के बाद यही फिर आउटपुट में आ जाएगा, कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार का, लेकिन जब हमें लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की, जो हम प्री डिफाइंड फंक्शन देख रहे थे, तो वहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, बेसिकली प्रोग्राम सेम ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अब पुट्स नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा लेंथ होती है वो एक इंटीजर टाइप होती है, कि उसमें 5 करेक्टर हैं, 6 करेक्टर हैं, 7 करेक्टर नंबर आएगा, तो इसलिए प्रिंट एफ फंक्शन लगाना पड़ेगा, फिर परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए, फिर कॉमा strlen स्ट्रिंग लेंथ, फिर ब्रैकेट में str, फिर सेमी कोलन से क्लोज कर देंगे, रिटर्न 0, ठीक है, ओके। अब देखिए अब इसका आउटपुट कैसे आपको देखने को मिलेगा। पहले वही आएगा आपके स्क्रीन पे, एंटर एनी स्ट्रिंग, मान लीजिए आपने कंप्यूटर वर्ल्ड भर दिया, तो अब वो दिखाएगा एंटर मारने पर 14, यानी इस स्ट्रिंग की लेंथ 14 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक ये स्पेस के लिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 14 है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है स्ट्रिंग यू पी आर।
ये करता है कि लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आप प्रोग्राम देख लीजिए, मैंने यहाँ पर बनाया है, ये हेडर फाइल लगाई है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल लगाई है बिकॉज ये जो वाला प्री डिफाइंड फंक्शन होता है ना, ये इस हेडर फाइल के अंदर मिलता है, मैं इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली तो वही प्रोग्राम है। तो यहाँ पे पुट्स हमें प्रॉम्प्ट करना है, यूज़र को स्ट्रिंग एंटर करे, फिर गेट स्कैन कर लेगा उसे स्ट्रिंग को। ठीक है, उसके बाद पुट्स जो हमें आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए, STRUPR, यानी कि जो भी स्ट्रिंग एंटर की होगी उसको वो अपर केस में कर दे स्ट्रिंग को। ठीक है, डन जीरो। तो जब आप ये रन करेंगे प्रोग्राम, ठीक है, तो पहले तो यही आएगा एंटर एनी स्ट्रिंग, क्योंकि हमने यूज़र को प्रॉम्प्ट किया है कि वो स्ट्रिंग एंटर करें। मान लीजिए आपने कंप्यूटर वर्ल्ड एंटर किया, आपने लोअर केस में एंटर किया, तो जब आप एंटर दबाएंगे इसके बाद, ठीक है, ये टाइप करने के बाद जब एंटर दबाएंगे तो वो क्या कर देगा, इसको अपर केस में कर देगा कन्वर्ट। ठीक है, उसी बात देखिए STRLWR, ये स्ट्रिंग क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो सब कुछ वैसा ही है प्रोग्राम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पुट्स की का STRLWR दबाना, टाइप करना है, लिखना है, ये काम करेगा आपको स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में लाने के लिए। ठीक है, तो जो आउटपुट में आप क्या देखेंगे इस प्रोग्राम को रन करने के बाद, पहले तो यही आएगा कि स्ट्रिंग एंटर कीजिए। मान लीजिए आपने इस बार जो टाइप किया है स्ट्रिंग, वो कंप्यूटर वर्ल्ड है कैपिटल में, तो जैसे आप एंटर दबाएंगे तो ये उसको लोअर केस कर देगा। ठीक है, बिकॉज हम जो चाहते थे कि हमें आउटपुट मिले पुट से, ठीक है, तो वो था STRLWR, ठीक है, लोअर केस। इसी प्रकार एक और प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है STRREV, इसका मतलब होता है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग। इसके लिए प्रोग्राम देखते हैं, तो पहले तो सब कुछ वही है, फिर ये भी मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है स्ट्रिंग को। ठीक है, फिर उसके बाद पुट्स एंटर एनी स्ट्रिंग, फिर गेट्स उसको स्कैन कर लेगा जो भी स्ट्रिंग में हमने दी होगी। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये वाला प्रीडिफाइंड फंक्शन पुट कर दिया, पुट्स STRREV STR। ठीक है, तो रिटर्न जीरो, फिर बंद कर देंगे। अब आप देखिए इसका आउटपुट आपको कैसे देखने को मिलेगा, एक तो आपने ही एंटर कर दी है स्ट्रिंग, ये आपके पास पहले प्रॉम्प्ट करेगा आपको पूछने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने मान लीजिए ये टाइप किया वहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है, फिर जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो देखिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, RETUPMOC। ठीक है, अगर आप ये लिख रहे हैं IM5 बड़ी स्ट्रिंग लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसने इसको उल्टा कर दिया, ENIFMAI। ठीक है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया। अगली है स्ट्रिंग कॉपी, ये क्या करती है, कॉपी एक स्ट्रिंग को दूसरे में कन्वर्ट कर देती है, कॉपी कर देती है। ठीक है, तो पहले आपने हेडर फाइल्स दी, ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है, एक STR, इसके अंदर कितने मैक्सिमम कैरेक्टर रास्ते हैं 50, और दूसरी स्ट्रिंग टू, मान लीजिए उसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर रास्ते हैं 40। तो पहले आप वही करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे यूज़र को एंटर एनी स्ट्रिंग और स्कैन करेंगे, फिर दूसरी आप प्रॉम्प्ट करेंगे कॉपी के लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको गेट्स डालने के बाद ये लगाना है, और फिर आपको ठीक है स्ट्रिंग कॉपी STR2 STR। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये कमांड देनी है। ठीक है, फिर पुट्स STR2, यानी कि अब आप जो आउटपुट चाहते हैं वो सेकंड जो आपने बनाई है यहाँ पर स्ट्रिंग उसके अंदर चाहते हैं, ठीक है, भी वो कॉपी हो जाए। ये तो आपने कमांड दी है ना कि यहाँ से यहाँ पर आ जाए, पहली स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में आ जाए, कॉपी हो जाए। ठीक है, फिर आप जो आउटपुट चाहते हैं वो दूसरी कॉपी में चाहते हैं। ठीक है, फिर रिटर्न जीरो, फिर बंद कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें आपको कैसा आउटपुट देखने को मिलेगा जब आप इसे रन करेंगे, सबसे पहले वही आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा कि स्ट्रिंग एंटर कीजिए। मान लीजिए आपने कंप्यूटर एंटर कर दिया, जैसे आप एंटर दबाएंगे, सॉरी आपने पहले कंप्यूटर टाइप कर दिया, जैसे आप एंटर दबाएंगे तो ये कंप्यूटर टाइप होके आ जाएगा। अगर ये आया है इसका मतलब कॉपी हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं STRCMP, इसका होता है कंपेयर करना दो स्ट्रिंग्स को। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे हेडर फाइल्स दिया, यहाँ पे आपने इंट मेन लगाया, फिर आपने दो करेक्टर्स स्ट्रिंग्स को डिफाइन किया, ठीक है, पहले की जैसे। तो अब आपने क्या किया, दो स्ट्रिंग कंपेयर करना है, तो आप पहले प्रॉम्प्ट करेंगे कि एक स्ट्रिंग जो है उसको आप दीजिए। ठीक है, यूज़र को कहेंगे आपकी एक कोई एक स्ट्रिंग एंटर कीजिए,
फिर उसके बाद वो स्कैन होगी, फिर आप कहेंगे दूसरा कोई स्ट्रिंग डालिए वहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, फिर वो स्कैन होगी। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगेगी, ठीक है, इफ़ स्ट्रिंग वो कंपेयर करेगा ये प्री डिफाइंड फंक्शन, अगर तो वो दोनों बराबर हुई, इक्वल इक्वल ज़ीरो, तो कोट्स में आ जाएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अदरवाइज आ जाएगा प्रिंट हो गए, प्रिंट का काम है पुट्स करता है बोथ आर नॉट इक्वल, रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो पहले आपके पास ये लिखा आएगा एंटर एनी स्ट्रिंग, ठीक है, आप मान लीजिए आपने कंप्यूटर लिख दिया वहाँ पे, फिर आप दोबारा आएगा एंटर एनी स्ट्रिंग टू, ठीक है, जब आप एंटर दबाएंगे तो अब मान लीजिए आपने वहाँ पे वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है, जैसे आप दोबारा आप एंटर दबाएंगे तो देखिए कंप्यूटर वर्ल्ड दोनों अलग अलग हैं, तो आ जाएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्ट्रिंग कॉनकैट के अंदर, ठीक है, ये क्या करता है कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है, ठीक है, तो वैसा ही कुछ है, आपने दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर की यहाँ पे, उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट किया यूज़र को स्ट्रिंग देने के लिए, फिर गेट से आपने उसको स्कैन कर लिया, फिर दोबारा आपने कहा कि एंटर एनी स्ट्रिंग टू, फिर गेट से उसको स्कैन कर लिया, फिर आपने ये वाला लगाया प्री डिफाइंड फंक्शन स्ट्रिंग कॉनकैट, तो वो दोनों उसके ब्रैकेट में लिखने हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू दोनों, ठीक है, दोनों को जोड़ देगा, फिर आपको आउटपुट चाहिए इस कमांड के ज़रिए पुट स्ट्रिंग, ठीक है, दोनों को जोड़ देगा, वो एक बना देगा, ठीक है, रिटर्न जीरो। तो जैसे ही आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो पहले आपको पूछेगा एंटर एनी स्ट्रिंग, तो आप लिखो कंप्यूटर, फिर आप लिखोगे दोबारा जब एंटर करोगे तो पूछेगा एंटर एनी स्ट्रिंग टू, मान लीजिए आपने वर्ल्ड लिख दिया, फिर जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो दोनों को जोड़ के दिखा देगा कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रिंग कॉनकैट का प्री डिफाइंड फंक्शन का काम। तो ये था हमारी स्ट्रिंग और उसकी टाइप्स, प्री डिफाइंड जो स्ट्रिंग्स हमारे पास होती हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू वेरी मच।